केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने को कहा है। खबरों की माने तो किसान राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास शाहजहांपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करके और जगह जगह मल्टी लेयर्ड बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। शनिवार को किसान नेताओं ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करने का ऐलान भी किया है। सरकार की कोशिश है कि बातचीत के माध्यम से गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन किसान संगठन कृषि कानूनों के वापसी की मांग पर अड़े हैं। किसान नेताओं और सरकार में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक का भी नतीजा नहीं निकला है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 3 कानून और किसान के जितने भी मुद्दे हैं उन पर सरकार बातचीत करे और इनका समाधान करे। जब तक ये कानून वापस नहीं होते किसान यहां से नहीं जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नए कृषि कानूनों को लाई है और वर्तमान सरकार ने UPA सरकार से दोगुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान किया है। 2009 से 2014 के दौरान UPA सरकार ने 3,75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि NDA सरकार ने 8,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसी के साथ किसानों ने कहा कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शनिवार को बताया था कि किसानों की पंजाब से आने वाली कई ट्रॉलियों को सरकार ने रोक लिया है। हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि वो किसानों को दिल्ली पहुंचने दे। अगर सरकार 19 दिसंबर से पहले हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम गुरु तेग बहादुर के शहादत में भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 19 दिसंबर से पहले सरकार किसानों की मांगे मानती है या नहीं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।